तो हम बात कर रहे थे कि थीम्स क्या हैं और प्लगइन्स क्या हैं। थीम्स जो हैं वो बताते हैं कि हम वेबसाइट को कैसे लुक देना चाहते हैं, और प्लगइन्स जो हैं इनके जरिए आप अपनी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटीज हैं या फंक्शंस हैं वो नए ऐड कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है यार? ये हुआ था कि 40 मिनट्स की लिमिट होती है, तो उसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ी है। अब मैं देखूंगा इसीलिए हम क्या सोल्यूशन देख सकते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट क्लास तक ये चांस दीजिएगा मंडे तक कि मैं अपनी आवाज़ क्लियर कर लूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला माइक और ये चीज़ सेट करता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ थीम्स और प्लगइन से, जहाँ पे हमने एंड किया था। थीम्स के बारे में बता चुका था। प्लगइन्स जो हैं, जैसे बताया हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म, या अगर आप ई कॉमर्स स्टोर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, दिस इज द प्लगइन, और वू कॉमर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये है और वू कॉमर्स ये है। ये टॉपिक अगेन करवा दूं? ठीक है, मैंने बताया था वर्डप्रेस क्या है, ये आपको पता है। वर्डप्रेस 38.8% जो है इंटरनेट की जो वेबसाइट है वो सारी वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं। वर्डप्रेस फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है इसका जो कोड है उसकी एक्सेस सारे को होती है, तो कोई भी अपनी मर्जी से इसके अंदर चेंजेस कर सकता है अगर करना चाहे, या उनको एग्जिस्टिंग उसको यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे थीम्स, बहुत सारे प्लगइन्स फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत से प्लगइन्स, बहुत से थीम प्रीमियम में अवेलेबल हैं। आपको तकरीबन हर फंक्शनैलिटी जो भी वेब के लिए चाहिए वो आपको वर्डप्रेस से मिल जाती है। ठीक है, वो आप उसके सोल्यूशन आपको हर जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू यूज़ है, और इसके बारे में अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो फॉरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, और क्या कहते हैं ना, क्यू एंड ए साइट्स है, कोरा भरी हुई है इस चीज़ से, स्टैक ओवरफ्लो भरा हुआ है इस चीज़ से। वर्डप्रेस की आपको हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, वर्डप्रेस को आप इन्हेंस कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। उसके लिए दो चीज़ें हैं, थीम्स हैं। ये थीम जो होते हैं ये बेसिकली वेबसाइट की लुक डिफाइन करते हैं कि आपको किस किस्म का थीम चाहिए। मैं आपको थीम की एग्जाम्पल पे देता हूँ, जहाँ पे जिस थीम को मुझे जो मुझे बड़ा पसंद है और मैं अपने क्लाइंट के साथ यूज करता हूँ। अगर मेरी साइट जल्दी ओपन कर देते तो। ठीक है, बी थीम है। ठीक है, ये प्रीमियम है, $60 तक का आई थिंक मिलता है, अब उन्होंने रेट ज़्यादा ना कर दिया हो तो। और इससे आप तकरीबन हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं सिर्फ इस एक थीम से, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और बड़े आराम से आप इसे वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद उसको सेटअप करना होता है। सेटअप करना इंशाल्लाह हम सीखेंगे, और कि कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन तेजी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक थीम है। अगर काइंडली माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये एक थीम है, और इस थीम के अंदर जितनी सारी लुक्स अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी लुक ऑटोमेटिक सिंगल क्लिक से आप वो पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद उसको आपको सिर्फ कस्टमाइज, सिर्फ टेक्स्ट इमेजेस जो कंटेंट चेंज करना होता है, और आप पूरी वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, ये थीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, फ्री भी हैं, परचेज भी हैं। वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे कहते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और प्लगइन्स जो हैं जैसे मैंने बताया था, दिस इज़ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ये सिंपल सा एक प्लगइन होता है, आप इसको इंस्टॉल करते हैं, वो आपकी वेबसाइट में एक फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, फिर आप फॉर्म को जहाँ जहाँ भी यूज़ करना होता है आप वो शॉर्ट कोड वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और आपका वो बन जाता है। ठीक है, वू कॉमर्स है, तकरीबन वर्डप्रेस पे 80% वेबसाइट जो ई कॉमर्स स्टोर जो हैं जो वर्डप्रेस से बने हैं वो कॉमर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है, थीम बाय कर सकते हैं, थीम फ्री भी मिलते हैं, थीम बाय भी कर सकते हैं, थीम फ्री भी मिलते हैं, तो वो आपके उस पर होता है कि आप कैसे चाहते हैं। ठीक है, ये जो है ये वो कॉमर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब लास्ट में मैंने था तो ठीक है,
और मतलब इसमें पूरा प्रोसेस होगा, आप सिंपल क्लिक करेंगे, वो आगे मूव फॉरवर्ड करते जाएंगे और वो चेकआउट कर लेंगे और बन जाएगा। पाकिस्तान में भी कुछ बड़े स्टोर के अलावा जो छोटे स्टोर हैं वो ज़्यादातर वर्डप्रेस पर बने होते हैं। ठीक है, अली .pk ये तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ये तो कस्टम कोडेड है। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। आप में से जैम किस किसने इंस्टॉल किया हुआ है, जो नए स्पेशली स्टूडेंट्स हैं? मेरा ख्याल है आपके पास वो मेल नहीं आई हुई कि आपने जैम इंस्टॉल करना था। जी जी पूछिए। सर ये जैम के जरिए हम करेंगे सारा वर्डप्रेस, जी जैम सर्वर के जरिए सारा यूज करेंगे। आपकी आवाज बहुत कम स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर हम जैम सर्वर के जरिए सारा यूज करेंगे। यार मुझे ना टैट लिखने, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, नॉट शोर क्या हो जाए। ठीक हो गया, मैंने जैम का नहीं बताया आपको। सर जैम का नहीं बताया आपने, ना कोई मेल आई है। ठीक 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 मैं आपको चलिए यहाँ बताता हूँ। जैम जो है ये एक लोकल सर्वर है, वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, लिंक मैं सेंड कर दूंगा ईमेल में सबको। मुझे फर्स्ट सेट था उसको मैंने ये लिंक ईमेल की थी, बाद में नहीं किया। स्टार्ट में जैम पे करेंगे, लेकिन बाद में जो कनेक्ट है जिसके अंदर आप इसको होस्टिंग पे कैसे लेके जाते हैं वो कर सकते हैं। वैम भी एक अच्छा ऑप्शन है, वैम भी कर सकते हैं। मेरे सिस्टम पे जैम है, मैं इसलिए जैम यूज कर रहा हूँ, वरना वैम भी एक अच्छा टूल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैम के अंदर अक्सर जो है ना वर्डप्रेस के साथ वो इशू करता है। वैम जो है वो विंडोज फ्रेंडली है, वो क्या कहते हैं वो जो ASP.NET उनके लिए जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, वर्डप्रेस के साथ वो अक्सर इशू करता है जब मैंने यूज किया था। अब नॉट श्योर क्या पता नए फंक्शन जो है वो अच्छे हो गए। ठीक हो गया, जैम जो है ये एक सिंपल सा टूल है जिसके जरिए आप अपने सिस्टम को एक लोकल सर्व होस्ट के अंदर जो इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप विंडोज पे जाएंगे, सो क्लिक करेंगे जैम 4.11 दिस, वो डाउनलोड से मैसेज आ जाएगा, ये आपके पास ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा, लेकिन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप स्टार्ट करेंगे और वो क्या कहते हैं इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। इंस्टॉल हो के जो भी आप फोल्डर का नाम रखेंगे, मैंने नाम जैम रखा था तो ये जैम के नाम से शोर है, अगर आप कोई और नाम रखेंगे तो उस नाम से शो होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये पूरा फोल्डर आपके पास सिस्टम में जहाँ भी आपने सेव किया होगा वहाँ पर ये फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, नंबर वन आपने जैम इंस्टॉल करने, वो मैंने बता लिंक आपको सेंड कर दूंगा कहाँ से करने, और उसके बाद जो है ना आप उसको वो कर सकते हैं। मेरी विंडो सेवन ही है ये जो मेरा मैं यूज कर रहा हूँ, विंडो सेवन यूज कर रहा हूँ। सर जैम अभी डाउनलोड कर लें कि लेक्चर के बाद? आप लेक्चर की बात कर लें, अभी आप देख लें, आप बाद में कर लें, कोई मतलब नहीं। विंडो सेवन में कुछ भी रैम पे हो जाएगा आराम से हो जाएगा। अच्छा ये आप कर लेंगे, करना किस लिए, उसमें मैं करके क्या दे रहा हूँ? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। अभी तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने इंस्टॉल कर लिया जैम को, जैम जैसे इंस्टॉल हो गया ये ऐसे फोल्डर बन जाएगा ये आपके पास। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ पड़ा होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम थोड़ी देर में आता हूँ दोबारा कि अब जैम के साथ में करना क्या है। ये अच्छा डाउनलोड इंस्टा का तरीके एक दफ़ा फिर बता दें। आप गूगल करें जैम नंबर वन, इस पर क्लिक करें, ये फर्स्ट ऑप्शन है apachefriends.org, इस पर जाएंगे और आप यहाँ पे ये जैम फॉर विंडोज है इस पर क्लिक करेंगे अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हैं तो। ये सक्सेस होगी और ये इसे डाउनलोड शुरू कर दी खुद ब खुद, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और ये जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा चलिए, ये पीछे डाउनलोड होता रहता है, मेरे पास इसका सेटअप नहीं पड़ा हुआ ना, मैं वहाँ से रन कर लेता। एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर नहीं कर सकेंगे ये,
लैपटॉप या डेस्कटॉप लाजमी है, मैं डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ तो डेस्कटॉप भी लाजमी है, कोई एक चीज़ लाजमी है ठीक है आपके साथ। अगर वो चीज़ है मैं ना एक लेक्चर लूँगा, अगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं दूसरों के साथ भी इशू है ना, तो इसके लिए एक ऑप्शन और होती है, वो होती है फ्लाई व्हील। लेकिन उसके लिए भी आपको लैपटॉप चाहिए होगा, उसके लिए भी डेस्कटॉप चाहिए होगा। उसमें सिर्फ ये फायदा होता है कि वो साइड से आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। लास्ट टाइम एक बच्ची ने आई थिंक मारिया उनका नाम है, उन्होंने शेयर किया था पूरा सेटअप बना के लिंक ठीक है, 00 वेब होस्टिंग को थ्रू करके, 000 वेब होस्टिंग जो है वो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है, तो उन्होंने वहाँ पे पूरा सेटअप बना के लिंक शेयर किया था। और सेकेंड अच्छा काम किया था वो एक और हैं, उन्होंने 5 वो जो पोस्ट बनाई थी और कैटेगरीज बना के वो किया। तो उसके अलावा किसी ने मुझे टास्क सबमिट नहीं किया था, एक और फारूक उन्होंने मुझे किया था ठीक है, उन्होंने भी मुझे लिंक स्क्रीन शॉट किए थे। आपने किया था वो लिंक सेंड? अच्छा ये फ्लाई व्हील को मैं भी जान देता हूँ, मैं भी सिर्फ जैम पे रहता हूँ, जैम वो हो गया। मैं आपको जो फ्लाई व्हील का ऑप्शन है ना वो आपको शेयर करके बताऊंगा कि अगर मोबाइल पे करना है तो कैसे कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। जी रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जब ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड के बाद इसको आप रन करेंगे, रन करने के बाद इस तरह के फोल्डर बन जाएगा आपको जैम का, ठीक होगा ठीक होगा। और थैंक यू ठीक है, इन्होंने शेयर की थी रानम खान आई थी अब है ठीक है, तो मुझे शायद वो लगा था क्योंकि आर लिखा हुआ था खाली शायद, तो मैं नाम नहीं पता उसमें वहाँ लिखे किसी शो में। आप शेयर जो है वहाँ पे भी कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप मैंने लिंक सेंड किया सबको, ईमेल व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक शेयर किए हुए हैं, फेसबुक ग्रुप के भी लिंक शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिकमेंडेड है ठीक है। व्हाट्सएप में खुद कम यूज़ करता हूँ, ग्रुप्स कम यूज़ करता हूँ ठीक है, तो आप वहाँ कर देते हैं। आपको ईमेल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट ईमेल जिसे मैंने सबको नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल और आज के वीक का स्केड्यूल बताया था, ठीक हो गया, आपको नहीं मिला ठीक है। आप मुझे फेसबुक मैसेज कीजिएगा जो ग्रुप के अंदर, मैं वहाँ से आपको फेसबुक पेज के अंदर मैसेज कीजिएगा, तो मैं मुझे बता दीजिएगा कि आपका क्या ईमेल एड्रेस है क्या है, तो मैं कर दूँगा। यहाँ ना शेयर कीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लास्ट टाइम भी मसला आया था तो फिर वो वीडियो में शेयर नहीं कर सकता ठीक है। मैं करूंगा शेयर यार, शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जैम जो है डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आ जाता हूँ जैम के ऊपर, क्यों हमें 40 मिनट का भी ख्याल करना है, गेन वो ना हो जाए ठीक है। ये जैम है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड आपने स्टेप करना है डाउनलोड wordpress.org, आप आएंगे wordpress.org पे और जी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। और ये जब भी कोई नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस होता है तो वो यूजली .org पे जाता है ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए, आप क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस, और ये वर्डप्रेस आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ठीक है। इसको मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि मेरे पास अगेन वर्डप्रेस डाउनलोड हुआ है, ये पड़ा हुआ है वर्डप्रेस ठीक है। ये ऐसे एक जिप फोल्डर जो आपके पास आ जाएगा। लास्ट टाइम एक इशू आया था कि वो फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही थी, तो जो विंडोज के पास विंडोज का अपना जिप एक्सट्रैक्टर होता है, मैंने तो विंडार किया हुआ है तो वो यूजली फ्री होता है ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि विंडोज 10 के लिए क्या है, क्योंकि विंडोज 7 पे तो मुझे वो मिल रहा है, तो बाद में मुझे कहते रहते हैं कि परचेज करें, लेकिन मैंने कभी बाय नहीं किया, तो लेकिन फिर भी वर्किंग में रहता है ठीक है। विंडार जिसने वो करना है, ये जहाँ से डाउनलोड करना है windashore.com, और डोमेन नेम जो है वो अगर आप एक अच्छी डोमेन बनाना चाह रहे हैं तो डैश ना यूज कीजिए,
ये अच्छा नहीं समझता, तो ये सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे टॉपिक को बनाना चाह रहे हैं तो कभी भी डैश या अंडरस्कोर यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड करेंगे विंडार, वो आपके आराम से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम पर इस्तेमाल के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम किसी का इशू आया था कि बस फाइल्स एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। और ये वर्डप्रेस 5.5.1 जो हमने वर्डप्रेस से डाउनलोड किया था, स्टेप नंबर वन क्या था, हमने ज़ैम्प इंस्टॉल किया, ज़ैम्प इंस्टॉल करके हमारे पास ज़ैम्प इंस्टॉल करके हमारे पास ये फोल्डर आया है। सेकंड स्टेप पे हमने वर्डप्रेस कहाँ से, wordpress.org से डाउनलोड किया है, वो हमारे पास ये आया है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि मैं दरमियान में दूसरी से बताता जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजिंग ना हो जाए। नहीं, ये डिफरेंट है, मतलब काम एक ही कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट टूल्स हैं, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। मैं विंडोज यूज करता हूँ लेकिन विंडोज भी अच्छा टूल है। अच्छा, इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर आपने डाउनलोड किया था, यार विंडार जो है ये फ्री है, विनजिप का मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी कहीं बचपन में यूज़ किया था, अभी मुझे नहीं एग्जैक्टली किस तरह का। सॉरी, ये सिर्फ उनके चला गया, पब्लिक मैनेजमेंट का, ठीक है, ये है। ठीक है, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, आप देखिए जब मैं ओपन करूंगा तो भी मुझे कहता है बाय करने के लिए, लेकिन मैंने कभी बाय नहीं किया, ओपन होगी मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट होगी वर्डप्रेस की फाइल्स, वर्डप्रेस की बेसिकली ये फाइल्स होती हैं, अगर इसमें इसको प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो ये 1980 फाइल्स हैं और 249 फोल्डर्स हैं, तो ये सारा कुछ कोडिंग हुई है, ठीक है। तो जो वर्डप्रेस को आपको प्रोवाइड करने का सोल्यूशन, यही वजह यही होती है कि वर्डप्रेस जो है वो आपको एक सिंपल इंटरफेस देगा कि आप आराम से वेबसाइट बना लें, और आपको ये 1980 ये 1980 फाइल्स हैं ये कोड ना करनी पड़े, ठीक है। वरना ये अगर आप हर फाइल ओपन करेंगे तो ये कोडिंग से भरी हुई है, ठीक है। तो ये सारी फाइल आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती जब आप वर्डप्रेस को यूज करते हैं कोई वेबसाइट बनाने के लिए, वो आपको बना बनाया सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। हम इसको कंट्रोल एक्स करें या कंट्रोल सी करें, कॉपी करेंगे, और हम इसको ज़ैम्प में जाएंगे। ज़ैम्प में ये एच टी डॉक्स का फोल्डर है, दिस वन, यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर कॉपी है, मैं पुराने वाले को डिलीट करता हूँ। This is good. आप ऑलरेडी मतलब डेवलपर हैं, डेवलपर काम कर रहे हैं या अभी तक? तो स्किल हासिल कर रहा हूं जी, अभी सीख रहे हैं। ठीक ठीक, मतलब आपको आसानी रहेगी इतने अंडरस्टैंड करने में, इसलिए मैं फाइल्स वहां से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। ये हमने की है ZAMP के htdocs फोल्डर के अंदर, दिस वन htdocs, सिर्फ यहाँ पे आप इसको रन कर सकेंगे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं फोल्डर का हम NOV1 November 11, ठीक है। आप जाते हैं बैक पे और यहाँ पे ZAMP का एक कंट्रोल पैनल है, दिस वन, आप इसको ओपन करते हैं, मेरे
किसी की माइक ऑन है। होंगी जगह मोजिला यूज करूँ यार, मोजिला में यूज नहीं कर सकता, मोजिला है मेरे पास लेकिन मैं उसको पब्लिकली भी यूज नहीं कर सकता। उस पर मेरे पास जो पासवर्ड वगैरह ना वो मेरे वहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे होस्टिंग और काफ़ी कुछ चल रहा होता है, मैं उस मोजिला को ओपन नहीं कर सकता। सर ये अभी हम वर्डप्रेस कर रहे हैं जी बेटा, अभी हम वर्डप्रेस को ना एक्टिव करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था ना जैम इंस्टॉल करने के लिए, जैम इंस्टॉल कर लिया है हमने, ठीक है, और जैम के एक फोल्डर है एटी डॉक्स, उसके अंदर हमने वर्डप्रेस की जो फाइल डाउनलोड की थी ना वो हमने यहाँ पे नवंबर 11 के नाम से फोल्डर बनाया, वहाँ पे पेस्ट कर दी है ये सारी फाइल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जैम को एक्टिव के बाद देन हम वो यूट्यूब एसईओ करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये जो है, अब वो मेरे पास अगेन फोल्डर में जाना पड़ेगा, मुझे बुरी आदत है मैं चीज़ें क्लोज करते रहता हूँ, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, क्रिएटिंग वर्डप्रेस ब्लॉग्स। पहले स्टेप में हम ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह एसईओ और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। जो मैं ये कि अगर आप ब्लॉगिंग है वो यूट्यूब एसईओ है कि ब्लॉगिंग की एसईओ है, ब्लॉगिंग एसईओ जी सर क्या कहा, ब्लॉगिंग एसईओ। अच्छा ब्लॉगिंग एसईओ, मैं समझा यूट्यूब एसईओ। नहीं यूट्यूब पे तो आप वो बनाएंगे ना, क्या कहते हैं, वीडियो बनाना चाहेंगे, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब भी कर सकते हैं, तो उसमें तो आपको कंटेंट अच्छा चाहिए होगा कि आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्या किस अंदाज में बोलते हैं, उसके लिए कैसे एडिटिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ होगा फॉर यूट्यूब, ठीक है। लेकिन जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज हैं वो सेम ही यूज़ होंगी, अगर वहाँ पे भी आप किसी एक मखसूस टॉपिक को बनाना चाह रहे हैं तो आप कोई एक नीड डिफाइन करेंगे, ठीक है, आप कीवर्ड सेलेक्शन करेंगे, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज हो देंगी क्योंकि यहाँ पे हम राइटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे वीडियो कंटेंट बना रहे होंगे। मैं वापस आता हूँ। सर ये तो क्लासेस अब हो रही हैं, और एक आपने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम 1st दिसंबर, वो क्या उसका वो क्या करना है? मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st दिसंबर, ये मैंने सोचा था स्टार्टिंग फ्रॉम 1st दिसंबर होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे तो करते हैं, ठीक है। पहले इरादा था कि ये एग्जिस्टिंग है इसको हम कंप्लीट कर लें उसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हमने वो प्लान बनाया तो उसके बाद पता चला कि नहीं इस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो फिर हमने कहा कि अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक ठीक हो। अच्छा हम गए थे जैम्प में, जैम्प के अंदर हम जाते हैं कंट्रोल पैनल पे, ये इंस्टॉल करने के बाद आएगा, और यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं जो आपने एक्टिव करनी है, दिस वन इज अपाची सर्वर एंड सेकेंड वन इज MySQL, ठीक है। अपाची जो है ये सही है जो हमने बात की, ठीक है। अच्छा अपाची आपने एक्टिव करना है, अगर आपके पास स्काइप ऑन है तो स्काइप को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है, अनइंस्टॉल नहीं सिर्फ क्लोज कर दीजिएगा ताकि आप आराम से अपाची को ऑन कर सकें, ठीक है। दिस वन इज अपाची, ये आप यहाँ से ऑन कर रहे हैं, ये पोर्ट 80 यूज़ करता है, स्काइप भी पोर्ट 80 यूज़ करता है, तो अक्सर जो है ना फिर वो ऑन ही होता है, यहाँ पर आपको येलो साइन नजर आता रहेगा, तो उसके लिए फिर सोल्यूशन ये होता है कि आप स्काइप क्लोज कर दें, एक दफ़ा ये ग्रीन हो जाए उसके बाद आप स्काइप दोबारा ऑन करने कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने अपना जो जैम्प है उसे ऑन कर लिया। आपने पूछा था जैम्प से होता क्या है, जैम्प जी भैया सर ये ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या है? जी मैं यार एसईओ पे आएंगे मैं इंशाल्लाह तब बताऊंगा ना, अभी ये जो चल रहा है तो ये तो देख लें, क्योंकि अगर मैं दरमियान में दूसरे जवाब देता रहूँगा ना फिर ये चीज़ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, क्या ख्याल है? ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ ना, जब सेशन के एंड पे आएंगे ना मैं तब पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा हमने जैम किया था, जैम के अंदर कंट्रोल पैनल पे गए थे, कंट्रोल पैनल में जाके हमने अपाची और MySQL को एक्टिव कर दिया है, ठीक है। अपाची के अंदर 80 पोर्ट मैंने बताया कि अगर आप स्काइप आपके पास ऑन है तो काइंडली उसको क्लोज कर दीजिएगा फिर ऑन कीजिएगा अगर कोई एरर देता है तो, ठीक है, ये दोनों ऑन हो गए। अब जैम से होता कि अब जैम से ये होता है कि आप लोकल होस्ट स्लैश या आपका सर्वर बन गया है, आपका जो डेस्कटॉप का जो फोल्डर है वो आपका सर्वर बन गया है,
आगे बस ये चीज ओपन होगी जब भी आप लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, वेलकम टू जेन। अगर मैं इसमें जाके इसे क्लोज कर देता हूँ, चॉप कर देता हूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, इट्स गोइंग टू गिव एरर, ठीक है। अब वो मुझे बता रहे कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमने सर्वर बनाते हैं जब इसको ऑन करते हैं, हमने अपाची स्टार्ट किया, ये हमारा जो अब सिस्टम है इट्स एक्टिंग एज अ सर्वर, एक लोकल बेस होम बेस, ठीक है। और हमने फोल्डर क्या बनाया था, लोकल स्लैश NOV 11 November 11 के नाम से। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है अगेन, मुझे शायद वो मैं इसलिए अब तेज से जाऊंगा, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश November 11 के नाम से आपने फोल्डर बनाया था, इसको आप एंटर करेंगे, November 11 वाले फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये कॉन्फ़िग सैंपल पड़ा हुआ है, एक फाइल जो है ये भी बनेगी इस हमारे सारे प्रोसेस से, ठीक है। ये देखें, हमने NOV 11 किया था तो इसने हमारे सामने डेस्कटॉप ओपन कर दिया, सॉरी सेटअप ओपन कर दिया। हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अगर इंग्लिश यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप उर्दू यूज़ करना चाह रहे हैं, उर्दू यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उर्दू की साइट कभी बनाई नहीं है, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट होती है, शायद लेफ्ट टू राइट होती है, तो वो थोड़ा मसला होगा। आप कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज नज़र आएगा, स्क्रीन नज़र आएगी, स्क्रीन पे वो आपसे कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस को आप कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा डेटाबेस का नाम क्या है, वो आपसे पूछा है डेटाबेस का यूजर नेम, वो आपसे पूछा है डेटाबेस का पासवर्ड, वो आपसे पूछा है डेटाबेस का होस्ट, और वो आपसे पूछा है टेबल प्रीफिक्स। इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप जाते हैं वापस जैम्प में, लोकल होस्ट को जब क्लिक करेंगे आपके पास ये चीज़ आएगी। आप जाते हैं यहाँ पे PHP माई एडमिन में, PHP माई एडमिन जो है यहाँ पे आप डेटाबेस बनाते हैं, नहीं अभी नहीं बना, अभी हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद बनेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके डेटाबेस क्रिएट करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन में आगे, यहाँ पे आप आएंगे डेटाबेस के अंदर, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन, तो यहाँ पे आएंगे आप डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम क्लिक करते हैं, आज का क्या है November 11 आपने क्रिएट किया। उसने बताया सर आपका जो टेबल है वो, सॉरी आपका डेटाबेस सब क्रिएट हो गया लेकिन इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं लेट्स गो, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम हमने क्या बनाया था November 11, जो डिफॉल्ट जैम सर्वर है उसका यूजर नेम हमेशा रूट होता है, जब आप किसी दूसरे सर्वर पे अपलोड करेंगे तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। पासवर्ड ये हमेशा एम्प्टी होता है, डेटाबेस होस्ट जो है मैं भाई को थोड़ी देर शायद रिमूव करने लगा हूँ, ठीक हो गया। डेटाबेस नेम जो है वो November 11 है, यूजर नेम जो है वो रूट है, पासवर्ड जो है वो ब्लैंक होता है, डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट है, टेबल प्रीफिक्स जो है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, November 11 या कोई भी नाम, ठीक है। NOV 11 हम कर लेते हैं, हम इसको सबमिट करते हैं, रन द इंस्टॉलेशन, उसने बताया कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है और आप इसको अब इंस्टॉलेशन को रन कर लें, ठीक है। जैम 32 बिट में नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा या रन नहीं हो रहा, अच्छा मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 10 मिनट का टाइम खत्म हो रहा है तो मैं ये तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। साइट टाइटल आप रखते हैं November 11, यूजर नेम मैं सिंपल रख रहा हूँ एडमिन, पासवर्ड यूजली, कल किसी ने पूछा था कि पासवर्ड कैसा रखें, तो पासवर्ड यूजली ऐसा का रखें तो सिक्योर होता है। सर ये ब्लॉग किसके रिलेटेड बन रहा है, ये ब्लॉग किससे रिलेटेड बने, ब्लॉग अभी सिर्फ डमी ब्लॉग बन रहा है, ठीक है, वो जब हम आगे जाएंगे ना फिर बताएंगे। मैं समझा नहीं सर, सॉरी, ये एक डमी ब्लॉग है, मतलब सिर्फ बेसिक सेटअप है, ठीक है। आप ईमेल जो है हम ये सीख लेते हैं तो उसके बाद हम किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ ब्लॉग बनाना है ना,
उसके बाद फिर आप किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं वो फिर आगे स्टेप्स में आएगा, ठीक है। साइट टाइटल क्या है? नवंबर 11, यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड एडमिन में रख रहा हूँ क्योंकि ये लोकल है, सेम है, लेकिन जब भी आप लाइव करेंगे तो हमेशा मुश्किल पासवर्ड रखिएगा। कन्फर्म यूज सब पिक पासवर्ड, ई मेल में abc.testing.com डिस्करेज, और मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। हमेशा जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो हमेशा इसको डिस्करेज पर रखिएगा स्टार्ट में, क्योंकि आप चेंजेस कर रहे होते हैं, आप वो कर रहे होते हैं, तो अगर गूगल इंडेक्स करना शुरू कर दे तो आपकी वेबसाइट कर रहे हैं जिसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उसने कहा सक्सेस हो गया और अब आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये नोटेबल फाउंड इन डेटाबेस, अभी जो प्रोसेस हमने गो थ्रू रन किया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे टेबल्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट हो गए, टोटल 12 टेबल्स क्रिएट हो गए। और मैं यूजर्स में जाता हूँ तो ये यूज़र नेम हमने डिसाइड किया था, ये पासवर्ड बेसिकली MD उसकी इंक्रिप्टेड है, तो ये सेव है, ईमेल है, या मैं आपको थोड़ी देर बाद जवाब देता हूँ, ठीक है। और अब जो मैंने पासवर्ड जो आपने रखा था, अब उसको लॉगिन कर, उनके थ्रू लॉगिन करते हैं, एडमिन एडमिन, और अब फाइनली जो है कहाँ पे है, जैम के डैशबोर्ड में, अगर ये ओपन होता था तो जैम 32 बिट में नहीं हो रहा है। अच्छा, ये मुझे आप काइंडली जो क्वेश्चन है मुझे दीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन देखिए आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया कि 32 बिट में क्या है क्या नहीं, तो क्या पता कोई ओल्डर वर्जन अवेलेबल ब्लॉगिंग से। ये आ गया आपके पास डेस्कटॉप का वर्डप्रेस का। क्या ब्लॉगिंग से यूट्यूब चैनल से ज्यादा अर्निंग की जा सकती है? यार अर्निंग जो है ये बड़े नेक्स्ट स्टेप की बात है, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन लोग दोनों तरह से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहे हैं, और कैसे कर सकते हैं वो फिर हम देख सकते हैं। ये हमजा ने लिंक शेयर कर दिया वैसे, ठीक है, तो अब यहाँ से डाउनलोड कर लें जैम फॉर विंडोज 32 बिट। और ये बेसिकली जो आपने वो सारा डेटाबेस के यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, लोकल होस्ट और सेक्टर ऐड किया था, उसके बाद आपने साइट को यूजर नेम पासवर्ड दिया था, और लॉगिन करके आप ये डेटाबेस, सॉरी बैकएंड एडमिन जो है ना वर्डप्रेस का आ गया, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे वो बता रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेलकम टू वर्डप्रेस, अगर आपको अपनी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर आपने अबाउट पेज डालना है तो यहाँ पे क्लिक करें, आपने अपना होम पेज सेटअप करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट हेल्थ स्टेटस है वो नो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब इसको लाइव सर्वे पर अपलोड करेंगे तो हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज दे रहा होगा, तो वो आप अपडेट करने तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एट अ ग्लैंस क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपके पास एक पोस्ट क्रिएट हुई हुई है, ऑल पोस्ट में यहाँ पे एक पेज क्रिएट हुआ हुआ है और किसी एक यूजर ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो आपने रिसेंटली की है वो यहाँ पे शो हो रही होती है, जैसे ये नया कमेंट किसी ने पोस्ट किया है जो डमी है तो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अगर वर्डप्रेस से कोई इवेंट आपके आसपास के एरिया में शो हो रहे हो वो यहाँ पे शो होते हैं, और ये क्विक ड्राफ्ट है, अगर आपको चीज़ एकदम से याद आती है यहाँ पे लिखते हैं और सेव कर देते हैं, बाद में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे पोस्ट क्या होती हैं, पोस्ट जितने भी आप आर्टिकल्स और कंटिन्यूस लिखने वाली ऐसी चीज़ जो आप एक ब्लॉग के अंदर ऐड करते जाते हैं उन्हें पोस्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है। और अगर express.pk पे जाता हूँ, अगर ये ओपन हो जाती है जल्दी, इसमें क्वेश्चन भी क्या मैं को देखता हूँ, ये वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना के सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये सारे जो चीज़ें, जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये क्या है, सारी पोस्ट हैं, दिस वन इज द पोस्ट, दिस वन इज द पोस्ट, और ये इनकी जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये सारी पोस्ट हैं, ये आप सारी पोस्ट कहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ से, ऑल पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी के लफ्ज आ रहे हैं, कैटेगरी क्या है, दिस वन पाकिस्तान कोरोना वायरस इंटरनेशनल क्रिकेट, जब मैं इंटरनेशनल क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ मुझे इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो दे रहा है, वर्ल्ड न्यूज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैटेगरी है, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर फिर आप जितनी मर्जी पोस्ट क्रिएट कर लें, टैग जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप फिर उसको मेंशन टैग्स ऐड करते जाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह था आपको वो बताऊंगा कि क्या चीज़ आती है, ठीक है। पेजेस जो हैं, ये पेजेस और पोस्ट में क्या फ़र्क है, पेजेस जो हैं यूजली ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, ठीक है। जैसे इसी वेबसाइट के अंदर जाएँ, बॉटम पर जाएँ, तो यहाँ पर आपको कुछ पेजेस नज़र आएंगे, अगर जैसे ये है ज़ाबता अख़लाक़, कोड ऑफ एथिक्स,
ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा पेज है जो स्टैटिक रहेगा, ये पेज है, ये पोस्ट नहीं है, ठीक है, ये उन्होंने मेंशन कर दिया अपना, ठीक है, तो ये पेजेज में आ जाता है, पोस्ट वो है जो आप कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं और जो अपडेट होने वाली होती है, ठीक है, पेजेज वो होती हैं जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड डेट्स है, इसके अलावा कोई भी ऐसा पेज जिसको आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट ना करना हो। लेस देन वन मिनट रह गया हमारा सेशन एंड होने में, ठीक है, अभी ये सेशन एंड होने दें, फिर बाद अगर आप लोग अवेलेबल है तो मैं दोबारा एक स्टार्ट करता हूँ।